क्या कराची किंग्स अपना आज का मैच जीत पाएगा? अभी बज रहे हैं 12 और मैं उठा था 11 बजे। कराची और पेशावर का मैच है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे, मतलब ये वीडियो मुझे 2 बजे से पहले अपलोड करनी है। तो फटाफट चलते हैं अपने तबसरे और तंजिए वाले सेशन पे। कराची और पेशावर का मैच हमेशा से एक देखने में और इन्जॉय करने में हमेशा मज़ा ही आया है, बिकॉज दोनों टीमें तकरीबन ही बराबर हैं। अगर एक जगह अपना लव बाबर है तो दूसरी जगह सेमी ने भी पाकिस्तानियों के दिलों में एक ख़ास जगह बना के रखी हुई है। और दोनों टीमें तकरीबन सेम ही है। कराची की टीम में बाबर आजम है, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, एलेक्स हेल्स है, वॉल्टन है। और पेशावर की टीम में सेमी है, कामरान अकमल है, शुएब मलिक है, कार्लोस ब्रैथवेट है, कैरन पोलार्ड है, कामरान अकमल है और ऐसे ही कहीं बहुत सारे। लेकिन अभी जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, इसे सुन के तुम्हारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कराची और पेशावर के 10 मैचेस हुए हैं आपस में टोटल पीएसएल में, और 8 पेशावर जीता है, 2 सिर्फ हम जीते। तो तराजू में अपना पलड़ा थोड़ा, बल्कि थोड़ा क्या है ही नहीं, बहुत ही कम है, 8-2 का। तो ये मैच थोड़ा जो है ना, कहना बड़ा मुश्किल है कि पता नहीं कराची जीते नहीं जीते, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द मैच। तो अभी चलते हैं फ़ौरन से अपने कौन से सेशन पे, पिच रिपोर्ट। न्यू फील आई, लेकिन खैर सुन लेना। तो स्वागत है भैया काम 19 की नूब पिच रिपोर्ट में। नूब, अगर कल का मैच तुमने देखा है तो कल के मैच में ना पहले किसी को फ़र्क पड़ा बैटिंग में, ना बाद में किसी को फ़र्क पड़ा बैटिंग में। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद क्वेटा हार जाए, बिकॉज अगर आज़म नहीं खेलता तो मेरी नज़र में क्वेटा को हार जाना था। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज बैट्समैनों को खुला छूट होगी। क्यों छूट होगी? क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर है। नूब फील आ रही है, बट सुन लो, सूरज बिल्कुल ऊपर है। आई थिंक मुझे नहीं पता, आई थिंक पिच ड्राई होगा, बैट्समैनों को हेल्प ही मिलनी है, पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो। बट अगर कराची टॉस जीता तो कराची को पहले बैटिंग करनी चाहिए ताकि खुला खेले अपनी पिच पे। और अगर 80-90 तक हमारी ओपनर पार्टनरशिप चल गई शर्जील और एलेक्स की, हेल्स जो है अपना उसकी, तो समझ लो काम 19 हो गया। ये थी हमारी नूब पिच रिपोर्ट काम 19 की। अब चलते हैं प्रेडिक्शन पे, ज़रा प्रेडिक्ट भी तो करें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा भाई। हाँ तो भैया काम 19 की प्रेडिक्शन में हमारे पास ये 2 रुपये का सिक्का, इस 2 रुपये के सिक्के से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर हमारी सही होती चली गई, कराची जीतता चला गया तो हम अमर हैं, समझ लो फिर तो डांस भी होगा। जो लोग पूछ रहे कि डांस कब होगा, डांस सिर्फ कराची के मैच जीतने पर नहीं होगा, डांस होगा जब कराची अगर पीएसएल जीत जाता है तो होगा ऑन कैमरा। हम देते हैं चांद को कराची और मस्जिद को पेशावर। अगर चांद आया तो कराची जीतेगा, मस्जिद आया तो पेशावर जीतेगा। मैं देख नहीं रहा, बगैर देखे घुमाऊंगा, अब देखते हैं क्या आता है। तो भैया चांद, कराची जीत रहा है अपना, दीवारों पे लिख दो, पोस्टर बना दो, काम 19 से प्रेडिक्ट कर दिया है कि कराची जीत रहा है। और बाकी आपसे मिलते हैं मैच के बाद, देखते हैं व्हाट विल हैपन इन द मैच। तुम भी मैच एंजॉय करो, मैं भी मैच एंजॉय करता हूँ, मैच के बाद मिलते हैं। अगर कराची जीता तो अच्छे मूड के साथ हूँ, कराची हारा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैच के बाद मिलते हैं।